टेलीकॉम कंपनी BSNL, भाई आजकल लोग क्या एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इसी सब को इस्तेमाल करते हैं, तो BSNL का नाम कम सुनने में आता है, लेकिन आजकल हेडलाइंस में है BSNL। वो आप कभी कभी रेडियो पे मैच सुनिएगा तो आता है ना, ये लगा BSNL चौका, BSNL वहीं चौका और छक्का मार रहा है, बाजार में नहीं मार पा रहा। एक वक्त था जब BSNL का सिम मिल जाना लॉटरी लगने जैसा होता था बॉस, लेकिन अब आपको शहरों में BSNL के उपभोक्ता ढूंढने से नहीं मिलते। किसी के पास BSNL का कनेक्शन मिल जाए तो लोग हंसते हैं, BSNL रखते हो, क्योंकि BSNL आज, जब कल ही मैंने आपको 5G के बारे में बताया था, जब हम चर्चा 5G की कर रहे हैं, BSNL अभी 4G सेवा भी नहीं देता। अब ऐसी कंपनी जो 4G सेवा अभी नहीं दे पाई, 5G का जमाना आने को खड़ा हो गया, उसी BSNL को सरकार भारी भरकम रकम खर्च करके बचाने जा रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बीच सरकार ने BSNL को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम यानी BSNL को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए 1,64,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। अब यह क्यों किया? लोग कह रहे हैं कि भाई जब एयर इंडिया बेच दिया तो BSNL भी बेच देना था, BSNL को क्यों बचाना चाहते हैं? इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक BSNL वाली सोच भी है, वो क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन इस रिवाइवल प्लान में क्या है पहले जरा वो समझिए। BSNL के लिए कहा जा रहा है, BSNL इसके लिए जो रिवाइवल पैकेज आया उसमें कहा यह गया है, पैकेज कितना है, 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया। यह टोटल पैकेज रिवाइवल के, इसमें से 33,000 करोड़ जो है, 33,000 करोड़ इसके लिए क्या किया जाएगा, इसको जो है इस बकाए को हिस्सेदारी में बदलेंगे। तो यह हिस्सेदारी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 33,000 करोड़ रुपए के कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड जारी होगा, तो बॉन्ड लाएंगे, यह एक प्लान का हिस्सा है। 44,993 करोड़ की लागत से स्पेक्ट्रम आवंटित होगा, यानी स्पेक्ट्रम पे कितना खर्च होगा, भाई जिसके पास 4G नहीं है उसको 4G दीजिएगा ना, 5G के जमाने की बात हो रही है। 44,993 करोड़ इतना पैसा स्पेक्ट्रम पर खर्च किया जाएगा ताकि BSNL को एट पार लाया जा सके जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके, इससे 4G की सेवा वहां शुरू हो जाएगी। अब BSNL के रिवाइवल पैकेज के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो है कि भाई सर्विस सुधार दो, बिना सर्विस सुधारे तो कोई रखेगा नहीं। फिर बैलेंस शीट सुधारो, क्योंकि पैसा लगा के अगर आप कंपनी को थोड़ा पुश भी दे दीजिएगा, बैलेंस शीट गड़बड़ा रहेगा, कितने दिन चलाएगा। और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करो। अब ये क्यों है ये आपको आगे बताऊंगा। इस रिवाइवल पैकेज में BSNL की 4G सेवाएं शुरू करने की भी योजना है। अब ये 4G सेवा क्यों शुरू की जा रही है, भाई आप कहेंगे मेरे पास तो 4G है और मैं तो अब 5G लेने की सोच रहा हूं, तो BSNL की जो 4G सेवा है ये 4G सेवा क्यों शुरू हो रही है, इसकी वजह है 29,616 गांव है, इन गांवों में 4G नहीं है, तो इन गांवों में 4G पहुंचेगा। वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा BSNL। तो इसीलिए BSNL को रिवाइव करने के पीछे की एक बड़ी सोच यह है कि गांवों तक वो स्पीड, वो इंटरनेट, वो सुविधा पहुंचानी है जो आपके हमारे पास यहां शहरों में है। और इसके लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे, मतलब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, और इसकी लागत जो आएगी वो 26,316 करोड़ रुपए आएगी। सरकार का कहना कि ये है कि भाई गांव पर नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से रहा है कि भाई गांवों को अगर आप इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड से नहीं जोड़ रहे हैं, तो मामला देश के लिए वैसा नहीं होगा जो पूरे देश में आना चाहिए।
तो टेलीकॉम सेक्टर एक रणनीतिक क्षेत्र है जहां बीएसएनएल की मौजूदगी से मार्केट में बैलेंस बना रहे। बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी तकनीक के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज देने से लोगों को हैरानी भी हो रही है, क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि ये तो वो है जो अभी 4G लॉन्च नहीं कर पाया। 2019 में अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में इसको मुश्किल हो रही थी। जो नवरत्न पीएसयू से एक घाटे वाली सरकारी कंपनी बन गया जिस पर 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो उसको क्यों रिवाइव कर रहे हैं, यही लोग पूछ रहे हैं आज की तारीख। बीएसएनएल कितने घाटे में है जरा जान लीजिए। बीएसएनएल का अगर आप घाटा देखने जाएंगे, ऐसा नहीं है बीएसएनएल हमेशा घाटे में था। बीएसएनएल एक वक्त जो है वो मुनाफे में चलता था बॉस, इसको घाटे में लाके छोड़ दिया गया। 2009 का वो साल था, 2009, जब बीएसएनएल 1,721 करोड़ रुपए के फायदे में था। बीएसएनएल फायदे में था 2009 की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन 2009 के बाद बीएसएनएल के बुरे दिन शुरू हो गए और उसके बाद से कंपनी लगातार घाटे में जाती रही। 2010 से 2018 के बीच में बीएसएनएल को कितना घाटा हुआ, 57,000 करोड़ का घाटा हुआ। मतलब फिर ये रिवाइव ही नहीं कर पाई, गिरती चली गई। 2019-20 में फिर इसको कितना घाटा हुआ, ये घाटा कम से कम कुछ घटा 15,500 करोड़, ये इतने का घाटा हुआ। और 2020-21 में ये घाटा जो है वो और गिर गया, 7,441 करोड़ हुआ। मतलब बीएसएनएल जो है उसका घाटा धीरे धीरे कम हुआ है। तो ये है बीएसएनएल की कहानी, फायदे से लेकर और यहां नुकसान तक वो कैसे पहुंचा है। बीएसएनएल की हालत यह है कि उसकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा तो कर्मचारियों की सैलरी, बोनस, भत्ते, इसी पर खर्च हो रहा है। 2002-03 में कुल कमाई का 22% कर्मचारियों की सैलरी भत्ते पर खर्च हुआ। 2005-06 में यह खर्च घटकर 15% पर आया। साल 2009-10 में जब बीएसएनएल आखिरी बार फायदे में थी तब यह खर्च 26% पर था, और साल 2018 आते आते यह 53% पर पहुंच गया। हालांकि 2020-21 में यह घटकर 51% हुआ है। साल बदलने के साथ साथ बीएसएनएल की कमाई भी घटती गई। साल 2006-07 में बीएसएनएल ने सबसे ज्यादा 40,176 करोड़ रुपए की कमाई की। साल 2018-19 में बीएसएनएल की कमाई घटकर 25,070 करोड़ रुपए हो गई। रेवेन्यू में 21% का गिरावट आए की गिरावट आई। और साल 2020-21 में बीएसएनएल की कमाई घटकर 18,595 करोड़ रुपए रह गई। बीएसएनएल की कमाई कम होती गई और घाटा बढ़ता चला गया। नतीजा, बीएसएनएल कर्ज में चला गया। साल 2007-08 में बीएसएनएल के पास नेट कैश 37,163 करोड़ का था और 2018-19 आते आते तक यह 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में थी। बीएसएनएल की बैलेंस शीट साफ कहती है कि बीएसएनएल एक वक्त में सरकार के लिए सोने की चिड़िया थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत खस्ता हो गई, या शायद प्राइवेट मार्केट्स के कुछ रहे होंगे जिसकी वजह से करवा दी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताता हूं। मोटे तौर पर बीएसएनएल की बर्बादी की तीन बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह है सरकारी दखल। बीएसएनएल की बर्बादी जो हुई उसकी वजह क्या रही, एक तो रहा सरकारी दखल। तो मैं आपको कह रहा था ना कि ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कई गुनहगार रहे। दूसरा, सैलरी भत्तों पर खर्च, उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया। यह दूसरी वजह रही कि बीएसएनएल डूबती चली गई। और तीसरी रही लाल फीताशाही, मतलब वही सरकारी सिस्टम जिसने इस देश को जकड़ा हुआ था और नरेंद्र मोदी ने आने के बाद बड़ी कोशिश की उसको खत्म करने की।
स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग न लेना, वक्त पर 4G सेवा का रोल आउट ना करना, ये वजह रही कि BSNL डूबा। साल 2009-10 में BSNL के पास 28,800 करोड़ का कुल कैश था, जो घटकर 2010-11 में 800 करोड़ का रह गया। मतलब आप देख रहे हैं कहां 28,800 करोड़ का कैश है 2009-10 में, और 2010-11 में घटकर मात्र 800 करोड़ रह गया, यानी 20,000 करोड़ का घाटा हो गया BSNL को। और BSNL की ऐसी हालत एक दिन में नहीं हुई। 2008 में BSNL ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 43,000 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और BSNL को नुकसान हुआ। साल 2010 में इस प्लान को बंद करना पड़ा। BSNL जो उस वक्त 3 नंबर पर टेलीकॉम की कंपनी थी, वो 5वें नंबर पर गिरकर आ गई। गांव में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत BSNL के लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्जेस को माफ कर दिया गया, पर इस छूट को 2006-07 में खत्म कर दिया गया, जिसके कारण BSNL को सालाना 3,000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। देख रहे हैं, यह वो दौर था जब महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। BSNL की बर्बादी की कहानी साल 2010 से शुरू हुई। उस दौरान 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था। सरकार ने BSNL और MTNL को ऑक्शन से दूर रखा। BSNL और MTNL को अलग से स्पेक्ट्रम दिया गया। इसके लिए यह शर्त रखी गई कि जिस कीमत पर नीलामी हुई है उसी कीमत पर स्पेक्ट्रम मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि BSNL को 3G स्पेक्ट्रम के लिए 10,186 करोड़ रुपए भी देने पड़े और वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के लिए 8,313 करोड़ रुपए देने पड़े। पर्याप्त फंड न होने के बावजूद भी BSNL ने स्पेक्ट्रम के लिए रकम चुकाई, और BSNL को यह रकम देने के बावजूद मन मुताबिक स्पेक्ट्रम सर्कल भी नहीं दिए गए, यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको फायदा हुआ। पहले तो 3G ऑक्शन से BSNL को दूर रखा गया, फिर मनमानी कीमत पर BSNL को स्पेक्ट्रम बेचा गया, वो भी ऐसे सर्कल में जहां BSNL को ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद नहीं थी। सर्कल मतलब उन एरियाज में जहां आप वो 3G चला पाएंगे, तो ऐसे ऐसे जगहों पर दे दिया जहां बहुत 3G के खरीदार नहीं है, जिनको नहीं चाहिए था उस वक्त, या वो दूसरे से ले रहे हैं। तो एक तो पैसा भी चुकाए, ऊपर से घाटा भी खाए, तो सोचिए क्या सिस्टम रहा होगा। और उसी सिस्टम ने डुबाल दिया BSNL को। इसी साल वित्त मंत्री ने संसद में यह आरोप लगाया कि UPA सरकार में BSNL को जानबूझकर बर्बाद किया गया था। आंकड़े तो गवाही दे ही रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जानबूझकर BSNL को बर्बाद किया गया UPA के जमाने में। सुनिए एक बार। 2005 मार्च में BSNL का मार्केट शेयर था 19% मार्केट शेयर BSNL का, वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया इनके ये नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, BSNL को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड BSNL आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर BSNL। आपने वित्त मंत्री को तो सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि इतने घाटे और कर्ज में चल रही BSNL के लिए सरकार इतनी भारी भरकम रकम खर्च क्यों कर रही है? इसका कारण भी आपको बताता हूं। इसका कारण भी छुपा है BSNL में। एक मिनट, ये ग्राफिक्स रोकिए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा था कि क्यों नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यह BSNL रिवाइव हो। इसके पीछे वजह है बॉर्डर सिक्योरिटी, नेटवर्क और लिंकेज, लिंक जो आप कहते हैं, यानी बॉर्डर के आसपास जिस तरीके से BSNL का नेटवर्क है वो और का नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी, देश के लिहाज से BSNL अगर रिवाइव होता है और BSNL का नेटवर्क बॉर्डर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में है, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। गांवों में जो BSNL का नेटवर्क है वो आज भी प्राइवेट प्लेयर्स का नहीं है, इसलिए भी BSNL गांव के उन ग्रामीण इलाकों में, उन गरीब इलाकों में
जहां पर कोई बड़ी बड़ी रकम खर्च करके जो है वो पैकेज नहीं ले सकता, वहां बीएसएनएल काम आ सकता है और देश को लिंक करने के लिए ये जरूरी है। तो बीएसएनएल को रिवाइव करने के पीछे भी बीएसएनएल ही वजह है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बीएसएनएल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर के 36% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में गांव में ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शामिल है और वो उसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। दूसरा कारण है प्राइवेट कंपनियों के उलट बीएसएनएल घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करती है। 4G और 5G सेवाएं शुरू होने से इन मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा। तीसरा कारण है कि बीएसएनएल की पहुंच देश के बॉर्डर इलाकों तक है, नक्सल प्रभावित इलाकों तक भी बीएसएनएल की पहुंच है। यह रणनीतिक रूप से सरकार के लिए अहम है, इसलिए रिवाइवल पैकेज का ऐलान किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम और मुश्किल इलाकों तक बीएसएनएल की पहुंच है। ये वो इलाके हैं जो सैन्य रूप से बेहद संवेदनशील हैं। इसके अलावा बीएसएनएल में 63,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। बंद करने या बेचने से कर्मचारियों पर संकट आएगा, यह भी एक चर्चा का विषय है।